10 सितंबर साल 1976 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट बोइंग 737 ने दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरी। दिल्ली से महज 1 घंटे की दूरी पर इस फ्लाइट को जयपुर में लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरते ही कुछ ऐसा हुआ जिससे इस फ्लाइट का रुख जयपुर से पाकिस्तान के लाहौर की ओर मोड़ दिया गया। प्लेन हाईजैक हो चुका था। प्लेन में सवार सभी 77 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन हाईजैकर्स प्लेन को लाहौर नहीं कहीं और ले जाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे इस प्लेन को लाहौर ले जाना पड़ा? फिर किस तरह से पैसेंजर्स की जान बचाई गई और क्यों ये हाईजैक महज एक मिस्ट्री बनकर रह गया? क्या इसके तार कहीं इसराइल से तो नहीं जुड़े थे? इस हाईजैक की पूरी कहानी प्लेन के पायलट्स बीएन शर्मा और आरएस यादव ने कड़ी दर कड़ी बयां की। उड़ान भरने के बाद प्लेन दिल्ली से महज 35 मील की दूरी और 8000 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन के पायलट आरएस यादव प्लेन को ऑटो पायलट पर डालने ही वाले थे, तभी 2 आदमी कॉकपिट में जबरदस्ती घुस आए। उनमें से एक ने पिस्टल आरएस यादव की गर्दन पर रख उसे जान से मारने की धमकी दी और चिल्लाते हुए कहा, इस प्लेन को लीबिया ले चलो। लेकिन प्लेन में ईंधन सिर्फ इतना ही था कि वो जयपुर से दिल्ली वापस आ पाता। जब ये बात पायलट्स ने हाईजैकर को बताई तो वो बिफर पड़ा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने प्लेन को कराची ले जाने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने इसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि प्लेन सिर्फ लाहौर तक ही जा सकता है। इसके बाद हाईजैकर्स ने प्लेन के एक पायलट बीएन रेड्डी को कॉकपिट से निकाल कर टॉयलेट में बंद कर दिया और वापस आकर यादव पर चिल्लाया कि इस प्लेन को लाहौर ले चलो। लाहौर पहुंचने के बाद यादव ने कंट्रोल रूम से प्लेन को लाहौर में उतारने की इजाज़त मांगी, लेकिन अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया। इस पर हाईजैकर ने यादव से फ़ोन का रिसीवर छीन कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है और वो इस प्लेन को लाहौर में ही उतारना चाहता है। उधर कॉकपिट के बाहर पैसेंजर्स भी डरे सहमे बैठे हुए थे, क्योंकि वहां 4 हाईजैकर्स हाथों में हथियार लिए उनके आसपास मंडरा रहे थे। प्लेन को लाहौर में लैंड करने के बाद हाईजैकर्स ने यादव को एयरपोर्ट अथॉरिटीज से बात करने के लिए भेजा। उन्हें विमान को लीबिया ले जाने के लिए ईंधन, रूट मैप, लेट डाउन चार्ट और नेविगेटर्स की ज़रूरत थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने रूट मैप देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था और उन्हें रूट मैप कराची एयरपोर्ट से मंगवाने पड़ते। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ से मदद ना मिलते देख हाईजैकर्स ने प्लेन को लीबिया तक रूट मैप के बिना ही उड़ाने की सोची, लेकिन पायलट ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वो बिना रूट मैप के उड़ान भरते हैं तो प्लेन हवा में ही किसी दूसरे प्लेन से टकरा सकता है। हाईजैकर्स को ये बात समझ आ गई थी। इस हाईजैक की घटना के दौरान जब दोनों पायलट्स ने हाईजैकर से उनकी डिमांड जानने की कोशिश की तो उनका जवाब था कि वो अपनी डिमांड लीबिया पहुंचकर ही बताएंगे। यादव बताते हैं कि हाईजैकर्स 2 पैसेंजर्स को बंदी बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि ये इजरायली नागरिक है और वे यादव की इस बात पर भी यकीन नहीं करना चाहते थे कि इस प्लेन में कोई इजरायली नागरिक नहीं है। आखिर वो महज इजरायली नागरिकों के ही पीछे क्यों थे? खैर, रात हो चुकी थी और हाईजैकर्स के पास अब लाहौर में रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर प्लेन में यात्रियों की भी हालत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से हाईजैकर्स ने यात्रियों को प्लेन से लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में शिफ्ट करने की मांग मान ली। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि दोनों पायलट्स में से एक पायलट उनके साथ प्लेन में ही रहेगा, जिस पर दोनों पायलट्स ने उनको समझाया कि अगर उन्हें पूरी नींद ना मिली तो उनके लिए प्लेन को लीबिया तक उड़ा पाना मुश्किल हो जाएगा। रात को 2:30 बजे यात्रियों को प्लेन से लाउंज ले जाने के लिए एक बस का इंतज़ाम किया गया और उसी बस में दोनों पायलट्स को भी जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ऐन मौके पर 5 हाईजैकर्स ने प्लेन में ही रुकने का फैसला किया। यादव बताते हैं कि प्लेन में काफ़ी अंधेरा था और गर्मी भी, क्योंकि प्लेन की बैटरीज बचाने के लिए प्लेन की लाइट और एसी बंद कर दिए गए थे। सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी आर्मी के एक ऑफिसर ने पायलट्स और बाकी पैसेंजर्स को आकर बताया
कि उन्होंने पांचों हाईजैकर्स को पकड़ लिया है। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि उनके पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को अगले दिन सुरक्षित भारत वापस लाया गया। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। पाकिस्तान ने पकड़े गए हाईजैकर्स को भारत को सौंपने से मना कर दिया और यहाँ तक कि उनकी आइडेंटिटी तक रिवील नहीं की गई। और इस घटना के महज 4 महीने बाद 7 जनवरी 1977 को पाकिस्तान सरकार ने पांचों अपराधियों को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे उन पर आपराधिक मामला चलाया जा सके। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि भारत चाहता था कि पकड़े गए आरोपी भारत में ट्रायल फेस करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज उस घटना के 41 साल बाद भी ये राज ही बना हुआ है कि वो हाईजैकर्स आखिर थे कौन और उस हाईजैकिंग के पीछे उनका मकसद क्या था और क्यों वो इजरायली नागरिकों को ही बंधक बनाना चाहते थे। और ये राज इतिहास के पन्नों में ही दफन होकर रह गया।